नमस्कार, उम्मीद करता हूँ सबके अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में। आप लोगों ने इसके बारे में सबसे पहले जानते होंगे, लेकिन फिर भी आज हम इस पर चर्चा कर ही लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को इसरो बना रहा है, आप लोग जानते ही हैं। देखा जाए इसकी खासियत क्या है दोस्तों, और यह कब तक पूर्ण रूप से विकसित हो सकता है। तो अब अगर हम बात करें जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को शॉर्ट कट में BAS भी बोला जाता है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। इसमें पांच मेटालिक मॉड्यूल्स होंगे, इसमें पांच मेटालिक मॉड्यूल्स होंगे, जो कि इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और इसकी एक खासियत वाली बात है कि इसमें पांच मेटालिक मॉड्यूल्स तो होंगे ही, साथ में और भी सारे वर्जन इसमें होंगे, जो कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को काफी ज्यादा विकसित तौर पर बनाया जा रहा है। इसमें यह स्टेशन कुल मिलाकर 52 टन का होगा। यह जो भारतीय स्टेशन है, भारतीय स्टेशन देखा जाए 52 टन का होगा। और साथ में 52 टन के अलावा पहले यह स्टेशन की जो पहले से 25 से 26 टन था, लेकिन इसको बाद में इसका जो लक्ष्य रखा गया है 52 टन इसका लक्ष्य रखा गया है। और साथ में जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है यह 27 मीटर, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा क्योंकि करंट अफेयर्स में कल ही पूछा जा सकता है, जो यह 27 मीटर है, 27 मीटर लंबा यानी कि 88.8 फीट, यह 27 मीटर लंबा होगा यानी कि 88.58 फीट का होगा। और इसका जो चौड़ाई है, चौड़ाई की अगर हम बात करें तो 20 मीटर चौड़ा यानी 65.61 फीट के आसपास, 65.61 फीट का होने वाला है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की अगर हम बात करें, भारत के स्पेस स्टेशन में 3 से 4 एस्ट्रोनॉट्स होंगे, 3 से 4 एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे। लेकिन अगर आवश्यकता पड़ने पर भविष्य में अगर किसी और भी लोगों को ऐड करना चाहते हैं, और भी एस्ट्रोनॉट्स को रखना चाहते हैं, तो कम से कम 6 रह सकते हैं जरूरत पड़ने पर। लेकिन अभी जो एस्ट्रोनॉट्स जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है, अगर उसकी अगर हम बात करें तो इसमें 3 से 4 एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे। और साथ में जो इसरो का जो प्लानिंग है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को लेकर, यह 2035 तक ऑपरेशनल हो जाएगा, 2035 तक यह पूर्ण रूप से बन जाएगा। 2040 तक भारत का जो लक्ष्य है, और 2040 तक चंद्रमा से एस्ट्रोनॉट्स जुड़ सकें, यह भारत का टारगेट है। इसकी अगर हम और भी हम खासियत की बात करें, आप लोग जानते होंगे लेकिन फिर भी चर्चा कर ही रहे हैं, स्पेस स्टेशन में यूनिवर्सल डार्किंग और बाथिंग सिस्टम लगाया गया है। इसमें बाथिंग सिस्टम लगाया गया है, और यह बाथिंग सिस्टम इसलिए लगाया गया है कि जरूरत पड़ने पर, यानी आवश्यकता पड़ने पर दूसरे देश के जो स्टेशन है, स्पेस क्राफ्ट इसमें जुड़ सके, जो दूसरे देशों के स्पेस क्राफ्ट हैं वह जुड़ सकें और भारत उनकी मदद कर सके। ये भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का बहुत बड़ा गोल है। आप लोग जानते हैं भारत सबको मिलकर चलता है, भारत की हमेशा ही नीति रही है। इसरो ने भी, जो भारतीय रिसर्च सेंटर है हमारा इसरो का भी यही टारगेट है कि स्पेस स्टेशन में यूनिवर्सल डार्किंग और बाथिंग सिस्टम बनाया जाए। यूनिवर्सल, आप लोग नोट कर लीजिएगा, यूनिवर्सल डार्किंग और बाथिंग सिस्टम लगाया जाएगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर दूसरे देशों के स्पेस क्राफ्ट इसमें जुड़ सकें, यह इसका मेन टारगेट है। अगर हम बात करें, इसमें रोल आउट सोलर एरे यानी कि रोसा, इसमें रोसा लगाया गया है। रोल आउट सोलर एरे यह है जो आवश्यकता पड़ने पर फोल्ड किया जा सके, आवश्यकता पड़ने पर इसे फोल्ड किया जा सके, और साथ में ताकि अंतरिक्ष में जो कचरे टकराते हैं, जैसे उल्का पिंड हो सके, उससे बचाया जाएगा। तो यह रोसा इसका सबसे बड़ा मेन टर्निंग पॉइंट है, रोसा इसका बचाव करेगा अंतरिक्ष का, अंतरिक्ष स्टेशन का। तो रोसा, आप लोग रोल आउट सोलर एरे इसका फुल फॉर्म है रोसा का, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा ताकि। और साथ में यह 400 से 450 ऑर्बिट के ऊपर चक्कर लगाएगा। इसका जो टारगेट है भारतीय अंतरिक्ष, जो भारतीय अगर हम बात करें भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का जो टारगेट है, यह 400 से लेकर 450 किलोमीटर का चक्कर, उसके ऊपर ऑर्बिट का चक्कर लगाएगा और रिसर्च का करेगा। साथ में यह जो उल्का पिंड, जो कचरे होते हैं, इसका भी बचाव के लिए बहुत सारे उपकरण इसमें लगाया गया है, इसमें उल्का पिंड न टकराए, ये सारी चीजें इसमें ऐड की जा रही हैं, तो आप लोग जानते हैं इसके बारे में। साथ ही चलिए अब हम फिर से इसको दोहरा देते हैं, जो यह 5 मेटालिक मॉड्यूल्स होंगे, 5 मेटालिक मॉड्यूल्स होने वाले हैं।
साथ में यह स्टेशन कुल मिलाकर 52 टन का होगा, 52 टन का यह स्टेशन होगा। 52 टन के साथ साथ देखा जाए यह 27 मीटर लंबा यानी कि 28.58 फीट और 20 मीटर चौड़ा यानी 65.61 फीट का होने वाला है। भारत के स्पेस स्टेशन में 3 से 4 एस्ट्रोनॉट्स होंगे और अगर एस्ट्रोनॉट्स अगर आवश्यकता पड़ती है कहीं भविष्य में तो उसमें 6 एस्ट्रोनॉट्स भी रखे जा सकते हैं। यह भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का टारगेट है। साथ में देखा जाए इसरो इसे प्लानिंग कर रहा है कि 2035 तक इसे ऑपरेशनल हो जाए, इसका ऑपरेशनल हो जाए, पूर्ण रूप से विकसित हो जाए। और साथ में स्पेस स्टेशन जो भारत का अंतरिक्ष है उसमें अमेरिका भी सहयोग करेगा, अमेरिका का नासा इसमें सहयोग करने का सहमति जताई है, आप लोग जानते ही होंगे। और साथ में स्पेस स्टेशन में यूनिवर्सल डॉकिंग और बार्थिंग सिस्टम लगाएगा, लगाया गया है तब काम करेगा जब कोई दूसरे देशों के स्पेस क्राफ्ट इसमें जुड़ना चाहे तो उसमें जुड़ सकते हैं, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में जुड़ सकते हैं। साथ में इसमें रोल आउट सोलर एरे यानी रोसा लगाया गया है कि क्योंकि अगर आवश्यकता पड़ती है इसे तो उसको फोल्ड किया जा सके ताकि अंतरिक्ष कचरे से टकराने से बचाया जा सके, जो अंतरिक्ष जो कचरे होते हैं उससे बचाया जा सके। और साथ में उल्का पिंड से टकराने से बचाया जा, बहुत सारी चीजें करने वाला है रोसा हमारा। देखा जाए इस 400 से लेकर 450 किलोमीटर के अर्थ में चक्कर लगाएगा जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है, 400 से लेकर 450 किलोमीटर के एरिया में होगा। आप लोग जानते होंगे 400 से लेकर 450 किलोमीटर के एरिया में होगा, इसमें 3 से 4 एस्ट्रोनॉट्स होंगे और आवश्यकता पड़ने पर 6 एस्ट्रोनॉट्स भी हो सकते हैं। यह भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, भारत का जो इसरो है इसरो एक बहुत बड़ा अंतरिक्ष सेंटर बना रहा है, अंतरिक्ष स्टेशन है जो आवश्यकता पड़ने पर सभी देशों की मदद करेगा और बहुत सारे रिसर्च होंगे ताकि देश में और भी समृद्धि का विकास बढ़ सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जब पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक